हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम को फाइट कर लेंगे, मुझे यकीन है। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है मैं आप सभी के लिए जो है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक लेकर के आई हूँ। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन जो हुए थे उनसे संबंधित, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, चलिए इन्हीं सबसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है जो है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और ये उन्होंने किया था रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर के। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के ही समीप एक स्थित मंदिर था, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहाँ पे वो पुजारी थे और उनका जो प्रारंभिक नाम था वो था गदाधर भट्टाचार्य। गदाधर भट्टाचार्य रामकृष्ण परमहंस का पहले का नाम था। शंकर जो थे वेदांत से समृद्ध तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित किया था और रामकृष्ण का नाम दिया था। तोतापुरी जी उनके गुरु थे। उस समय वो जो थे प्रायः सभी धर्म सुधारकों ने जैसे कि केशव चंद्र सेन और दयानंद रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त की थी इन लोगों ने और रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार प्रसार किया था और उन्हें व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से ही उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद जो कि उनके परम बहुत ही अच्छे शिष्य थे, उन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में, उनके याद में आप बोल सकते हो, उनके सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 ईस्वी में। जो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था वो था समाज की सेवा करना और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना, ये इसका जो है लोगो है, आदर्श वाक्य है। रामकृष्ण मिशन जो है अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध था, सुप्रसिद्ध अभी भी है। मिशन में जो है बाढ़, अकाल, महामारी से संबंधित जो राहत कार्य होते हैं वो सब प्रदान किए जाते हैं। विवेकानंद ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। विवेकानंद ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों का अध्ययन किया था, बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था और स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत का अंग्रेजी में और उद्बोधन जो है उसके बंगाली नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन जो है उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मातृभूमि की दुर्दशा से वे जो है अत्यंत दुखित रहते थे, बहुत दुखी हुआ करते थे और पूरे देश की यात्रा करके उन्होंने चारों गरीबी, गंदगी, बौद्धिक जड़ता और भविष्य के प्रति निराशा उनको देखने को मिली थी, तो जिससे कि वो बहुत ही दुखी थे और उन्होंने स्पष्ट ही बोला था कि अपनी इस दरिद्रता और अमन्नति के लिए जो है हम खुद ही जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतवासियों से आजीवन प्रयास करते रहने को कहा है, जो कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और मानने योग्य है, हम सभी को मानना चाहिए। नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। पहले इनका नाम जो है नरेंद्र था, बचपन में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन उनका पूरा जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ये था और महाराज खेतड़ी ने इस नाम को बदल करके उनके सुझाव पर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो विवेकानंद ने किया था 1893 ईस्वी में। बहुत ही चेंजेस आ गए थे धर्म को लेकर के, पूरे विश्व जगत में एक क्रांति सी छा गई थी स्वामी विवेकानंद के विचारों से, इसलिए ये
जो है पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1893 ईस्वी में शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, और उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देश के लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था, सभी को अट्रैक्ट किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को बोला था। 1897 ईस्वी में दोबारा अमेरिका हो गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था, 1897 ईस्वी में किया था जब वो दोबारा अमेरिका गए थे। 1897 में विवेकानंद ने कलकत्ता से दो समाचार पत्रों का हिंदी में प्रकाशन किया था, पहला था उद्बोधन और दूसरा था प्रबुद्ध भारती। ये जो है इनके प्रमुख कार्य हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम समाज जो सुधार आंदोलनों की, तो मुसलमानों के जो जागरण की शुरुआत थी वो हुई थी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली में के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयासों के कारण। उनका विचार था कि इस्लाम धर्म की विशेषता राज के कारण ही भारत अंग्रेजों का गुलाम बना है, और वे इस्लाम को सुधारने तथा मजबूत बनाने और इस्लामी शिक्षा की वृद्धि में जुट गए थे। शरीयतुल्लाह किसानों के उत्थान के लिए बंगाल में शुरू किया उन्होंने, और फरंगी आंदोलन के नेता हुए वो। कौन? शरीयतुल्लाह। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों में व्याप्त जाति भेद के कुप्रभावों की निंदा की थी। अंग्रेजी शिक्षा और उसके सामाजिक तथा आर्थिक लाभों से वंचित रहने के कारण भारतीय मुसलमानों से अधिक समय तक मध्यम वर्ग का उदय नहीं हो सका था। कुछ प्रबुद्ध मुसलमानों ने अनुभव किया कि शासकों के साथ सहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए, और वे अंग्रेज शासकों की मदद के अपने सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते थे। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी कुछ आंदोलन प्रारंभ हुए थे। नवाब अब्दुल लतीफ जो थे, नवाब अब्दुल लतीफ ने 1863 ईस्वी में स्थापित कलकत्ता की मुस्लिम साहित्य सभा मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऐसा पहला संगठन था, मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी, जिसने की बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है जिसको, नवाब अब्दुल लतीफ। ठीक है, सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन की अगर हम बात करें, ये मुस्लिम सुधार समाज सुधार आंदोलन में प्रमुख नाम आ जाते हैं सैयद अहमद खान, और इनका संबंध है अलीगढ़ आंदोलन से। तो मुसलमानों में जो है आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो था सर सैयद अहमद खान ने ही शुरू किया था। सैयद अहमद खान का जो जन्म हुआ था वो मुगल दरबार के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ नौकरी की, और 1857 के विद्रोह के दौरान वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार भी बने रहे। उन्होंने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर जोर दिया था, और 1864 ईस्वी में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वैज्ञानिक समिति का नाम दे दिया गया था। अनुवाद समिति की स्थापना 1864 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने की थी। इस समिति का जो कार्यालय था वो अलीगढ़ में था। इसने जो है विज्ञान तथा अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों के उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित किए। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज ही आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है अभी भी। सैयद अहमद खान और मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागृति का जो ये आंदोलन था यही कहलाता है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, उन्होंने तहजबी उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिमों में पुनर्जागरण का प्रयास किया था। उन्होंने कुछ हिंदू तथा कुछ मुसलमान नेताओं के सहयोग से इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। उसके बाद नाम आ जाता है देवबंद आंदोलन का, ये भी प्रमुख आंदोलन है जिससे कि अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोई इस आंदोलन के जो है संस्थापक थे। देवबंद आंदोलन जो के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोई थे, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी।
ये स्कूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था और इसका दृष्टिकोण जो है अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था। साथ ही यह आंदोलन जो है अलीगढ़ आंदोलन का भी विरोधी था। इस स्कूल के मौलवियों ने सैयद अहमद खान और उनकी संस्था संयुक्त भारतीय राज्य भक्त के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इन लोगों ने इस आंदोलन से जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ था, उनका उदय हुआ था और देवबंद शाखा से ही जो है कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था अबुल कलाम आजाद ने। और इसके अन्य जो प्रमुख नेता थे वो थे महमूद उल हसन। फिर जो प्रमुख आंदोलन का नाम आता है वो अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना जो है 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में मसीहा और महदी दीने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलनों से अत्यधिक प्रभावित थे। फिर जो सुधार जो प्रमुख थे भारत में वो था पारसी सुधार आंदोलन। इसके तहत पारसी समाज के अग्रणी धर्म और समाज सुधारक जिसमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी जी का, नौरोजी फरदून जी का, आर के कामा और एच एस बंगाली ने मिलकर रहनुमाई मजदायसान सभा की स्थापना की। साथ ही साथ रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका की भी शुरुआत की थी लोगों ने। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अत्यधिक प्रयास किया था और पर्दा प्रथा के विरुद्ध थे। दादा भाई नौरोजी भारत के पितामह के नाम से विख्यात है। उनको भारत का पितामह जो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडिया पत्रिका जो है 1860 में दादा भाई नौरोजी ने ही इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया जिससे कि इंडिया पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था इन्होंने। अगर सिख आंदोलन की हम बात करें तो सिखों के धार्मिक सुधार की जो शुरुआत हुई थी वो थी 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जो कि अमृतसर के खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ ही हुई थी। खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब के गुरुद्वारों एवं स्कूल कॉलेजों की स्थापना की थी। 1920 में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंधन सुधार के लिए महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था। 1925 में अधिनियम को संशोधित किया गया। यह आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को हटाने के लिए चलाया गया था। निम्न जाति के लिए जो सुधार के लिए आंदोलन हुए थे उनमें जो है 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी उसने किया था। इसका जो उद्देश्य था वो सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानताओं के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना था। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज समता संघ की भी स्थापना की थी और 1942 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। निम्न जाति में पैदा हुए अम्बेडकर जीवन भर जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरुद्ध लड़ते रहे। उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की भी स्थापना की थी। तो ये रहे कुछ जो है समाज सुधार जिसको कि मैंने आप सभी के सम्मुख रखा है। उम्मीद है पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको मैं एक चार्ट में लेकर के आऊँगी आप सभी के सम्मुख। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।